मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीसे मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में एमपी अरविंद की दौरे की मुखालिफत में आए किसान सड़क पर। अरविंद के दौरे के दौरान किसानों ने किया रास्ता रोको। बीजेपी कायदीन की हठधर्मी के सबब किसानों बीजेपी कायदीन के दरमियान भी झड़प। वादा खिलाफी करने वाले एमपी को गांव में दाखिल न करने किसानों ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शेख इलामर की कामयाब नुमाइंदगी। बोधन असम्बली हल्के में मस्जिद डबल बेडरूम की मंजूरी। रियासती वजीर आला के सी आर, रियासती वजीर के टी आर और रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी से किया इन्होंने इजहार तशक्कुर। एशिया की सबसे बड़ी मेडाराम यात्रा के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की फ्राहमी न करने पर मुत्तहिदा ज़िला एमएलसी के कविता ने किया बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय से सवाल। कौमी योम राय दहिंगान के मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने वोट की अहमियत से किया अवाम को आगाह। जिले पुलिस कमिश्नर सीपी के आर नगर राजू की क्यादत में टास्क फोर्स के धावे। तकरीबन 9 लाख मालियत का गुटखा किया गया जब्त। 2 तुलबा को लिया गया हिरासत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रुकन असम्बली शेख इलामर की नुमाइंदगी पर बोधन असम्बली हल्के में मस्जिद डबल बेडरूम की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर जो अपने हल्के असम्बली में अवाम की तरक्की व फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं और आज इनकी नुमाइंदगी पर इलाके में मस्जिद डबल बेडरूम की मंजूरी अमल में लाई गई, जिस पर इन्होंने रियासती वजीर आला के सी आर, रियासती वजीर के टी आर, रियासती वजीर आर एन बी प्रशांत रेड्डी व मुत्तहिदा जिला एमएलसी के कविता से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह के बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की जानिब से हल्के असम्बली की तरक्की के लिए मुसलसल आला सतह नुमाइंदगियों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब इनकी असम्बली में एक बाइक तरक्याती काम जारी है। कोविड वबा से फौत होने वाले खानदानों को मरकज की जानिब से 50,000 रुपए इमदाद। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की मुतालिका अहदेदारों के अहकामात। कोविड वबा से फौत होने वाले खानदान को मरकजी हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपए मुआवजा देने का फैसला लिया गया। निजामाबाद में जुमला 1,309 दरख्वास्तें वसूल हुई। फौत होने वाले अफराद के खानदान थे दरख्वास्तें आधार कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट की तफसीलात और कोविड पॉजिटिव सर्टिफिकेट के साथ मी सेवा मरकज में दर्ज करें। मुतालिका दरख्वास्तों को महकमे पब्लिक हेल्थ ऑफिस में तनखी करने के बाद मुतालिका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर रवाना की जाएगी। अभी तक 523 दरख्वास्तों पर तहकीकात मुकम्मल की गई और माँ बाकी 769 दरख्वास्तों की तनकीब बाकी है और 17 दरख्वास्तों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नामंजूर किया गया और तहकीकात तेज रफ्तार के साथ की जा रही है। इस सिलसिले में जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुतालिका अहदेदारों को अहकामात जारी किए। अपनी नौयत का पहला उर्दू प्रेस क्लब का 26 जनवरी को जिले व शहर के मौजूज़ उलमा किराम के हाथों इफ्तिताह। अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की कांग्रेस कायद सैयद खैसर ने की अपील। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शहर निज़ामाबाद में एक तारीख रची जा रही है। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद क़ायम किया जा रहा है और उसका इनाग्रेशन इंशाअल्लाह कल बरोस चारशुम्बा 26 जनवरी 2022 को सुबह 10 बजे इनाग्रेशन अमल में आ रहा है। ये इनाग्रेशन उलमाए इकराम के मुख्तलिफ उलमाए इकराम की जानिब से किया जा रहा है। मेरी तमाम आवाम से, अवाम नास से, उलमाए इकराम से, हुफ्फाज़ से, आम आदमियों से और बिलखसूस नौजवानों से और ज़ैफ़ हजरात से गुजारिश की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अवाम जिस पर जुल्म हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए से अपनी बात को अवाम तक पहुंचा सकते, ऑफिसर्स तक पहुंचा सकते। यही हमारा मकसद है कि जालिम को, जालिमों पर जो जुल्म हो रहा है, यानि मुस्लिमों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है,
वो जुल्म को उसको ख़त्म करने के लिए, खात्मा करने के लिए हम कोशिश की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये न्यूज़ छपे, लोग देखें क्या हो रहा है। तो ये 26 जनवरी 1950 के दिन यौम जमहूरियत को मतलब कायम किया गया, अमलावरी की गई, तो उसी का हमने चुना है कि ये जमहूरियत का ऐसा मौका है यौम जमहूरियत का, 26 जनवरी को हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लिहाजा तमाम लोग शिरकत करके इसको कामयाब करें। सुबह में 10 बजे झंडा चढ़ाया जा रहा है, झंडे के फौरन बाद उलमा इकराम के हाथों से इसका इनॉग्रेशन अमल में आएगा। तमाम लोग इसमें शिरकत करिए, तमाम ज़िले के लोग इसमें आकर शिरकत करिए, क्योंकि दिन तमाम मुद्दों आके आप लोग प्रेस क्लब निज़ाम को देख सकते हैं। ये एक ऐसा मौका है इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का, तो उसको इस्तेमाल करिए और हमारे हक को बाजारिब करने के लिए एक ज़बरदस्त मौका है। हिंदुस्तान के अंदर पहली मरतबा उर्दू प्रेस क्लब निज़ामबाद को कायम किया गया है। तमाम प्रेस के लोग इंशाअल्लाह इसमें हिस्सा लेंगे और सवाल तमाम से मेरी गुजारिश है कि तमाम प्रेस के लोगों से भी गुजारिश की जाती है कि उर्दू, इंग्लिश, तेलुगू, हिंदी जो भी लैंग्वेज का पेपर निकलता है इसमें शिरकत करिए और हिम्मत अफजाई करिए ताकि सही सच्चा काम हो, अच्छा काम हो। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ 6 माह में दूसरी बार रजिस्ट्रेशन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दे निजामबाद रियल्टर एंड डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज का आगाज। जिले कलेक्टर व मुतालिका अहदेदारों से मुलाकात और दी गई याददाश्त। रियासती हुकूमत की जानिब से अंदरून 6 माह दूसरी बार जमीन रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफे के खिलाफ दे निजामबाद रियल्टर एंड डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मुहिम का आगाज किया गया, जिसके तहत जिला कलेक्टर व दीगर महकमे के जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए इन्होंने अवाम के मसाइल से वाकिफ करवाते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और इसी मुहिम को आगे ले जाते हुए सदर तंजीम व कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद की जानिब से सहाफती नशस्त का अहतमाम किया गया, जिसमे इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस जिस तक कई सालों से बढ़ाए गए वो कोरोना वबा के बाद अवामी माशी बहरान में ही क्यों साल में दोबारा बढ़ाए जा रहे हैं और इस तरह कीमतों में इजाफे से सिर्फ और सिर्फ अवामी नुकसान होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद रियास, अब्दुल रहीम जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद जानी मियाँ, मोहम्मद उमर हाशमानी व दीगर मौजूद थे। जैसे की सारे तेलंगाना के अवाम को ये नॉलेज है की जनाब केसीआर साहब 2021-22 जुलाई को रजिस्ट्रेशन रेट बहुत ही धींगाना तौर पे बढ़ा दिए थे, बाज़ जगह पे 100%, बाज़ जगह पे 50% बढ़ा दिए। इसमें क्या होता बोले तो जो रजिस्ट्रेशन वैल्यू होता वो वैल्यू में बढ़ाया उन्होंने, उससे क्या होता उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते वो अलग करके वैल्यू पे बढ़ाने से तकरीबन जो है सो हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जो है सो 100%, 50%, 70% वहाँ के सर्वे नंबर के हिसाब से रेट बढ़ गया था। लिहाजा 6 महीने ही नहीं हुए कि जनाब केसीआर साहब और एक बार जो है सो 2022 लगा जनवरी में नया तोहफा दिया आवाम को। ऑलरेडी कोविड सेशन चल रहा है जिससे सारी आवाम परेशान है, तोहफे में ये बता रहे कि उन्होंने ग्राम पंचायत इलाके में जो है सो 100% से 50% तक रेट बढ़ा देंगे और आपके कॉरपोरेशन में 50% से 75% तक बढ़ा देंगे। मेरी जनाब केसीआर साहब से एक डिमांड है कि इसको क्या करो केसीआर साहब, पेट्रोल की तरह रोज़ रेट बढ़ाते जाओ ताकि गरीब आवाम परेशान हो जाए, जो कोविड सेशन में ऑलरेडी परेशान है वो और परेशान हो जाए। आप समझ रहे हैं कि भाई कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं है, हम है निज़ामाबाद और तेलंगाना की आवाम, आपको इसका जवाब 2024 में ज़रूर देंगी। हर चीज़ पे आप बेवजह रेट बढ़ाते थे जा रहे जिसका कोई आपको रोक टोक नहीं है, ये रेट बढ़ाने से गरीब आवाम परेशान हो रही। जैसे कि अगर एक मकान में 5 लाख में कोई मकान बना तो वो मकान सीधे सीधे 7 लाख का हो जाएगा, अगर 50 लाख में बनाया तो 70 लाख का हो जाएगा। ऐसे तो इकोनॉमिक और बढ़ते जाएगी तेलंगाना की, और इससे गवर्नमेंट का भी एक लॉस ये हो रहा कि गवर्नमेंट में आप जाके देखो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में 2020 से पहले डेली 100% डॉक्यूमेंट होते थे, आज ये हालत है सिर्फ 40% पे आके डॉक्यूमेंट रुके हुए हैं। तो भाई रेवेन्यू कहाँ से खजाना पड़ेगा, आप नॉर्मल रेट्स रख के रेवेन्यू को कलेक्ट करो, आप पब्लिक पे बटन डाल के रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, इससे आवाम को नुकसान हो रहा है। मेयर नीतू किरण ने आरपी को कुव्वत मदाफत बढ़ाने के लिए म्युनिसिपल दफ्तर में हाईटेक किट की फ्राहमी अमल में लाई। निजामबाद मेयर नीतू किरण ने म्युनिसिपल दफ्तर में आरपी को कुव्वत मदाफत बढ़ाने वाले हाईटेक किट फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि कोविड-19 की नई शक्ल वेरियंट ओमिक्रोन के कहर को रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा कोविड-19 उसूल और जवाबित पर अमलावरी करते हुए खुद और अपने अरकान खानदान को तहफ़ फ्राहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, मेपमा पीडी राम मोहन राव और दीगर ने शिरकत की। मतलब प्रपंचमंतटा प्रजलंदरू एन्नो इब्बंदुलु पड़ता उन्नारु,
अना इंत धैर्य तो प्रजलंत मरी दा तो युद्ध मरी दा तो कल ब्रतकड़ने इपड़ीडे अलवाचेकू दाखी तगट मन प्रभुत्म एनो रकल करोना गुरी वालू गवर्नमेंट तरफ मन को एनो रकल सदी अ గవర్నమెంట్ ఏది చేసినప్పటికీ కూడా అవన్నీ ప్రజల వరకు తీసుకురావాలి అంటే దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర మన మెప్మా సంబంధించినటువంటి ఆర్పిస్ మెడరా మేలే కి ముతాలిక్ మర్కజీ హుకుమత్ కి లాపర్వాహి పర్ ముతహదా జిల్లా నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కే కవిత ని ఎంపీ బండి సంజయ్ సే కియా సవాల్ मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि एशिया का सबसे बड़ा कबायली मेला मेडराम समका सारा लम्बा तेलंगाना में होना हम तमाम के लिए काबिले फख्र होने की बात बताते हुए कहा कि रियासती सतह पर चार मरतबा शानदार पैमाने पर मनाए गए मेडराम के मेले के लिए सीएम केसीआर की जानिब से इस वक्त 332.71 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई, लेकिन 2014 से इख्तितार पर काबिज होने वाली मरकजी हुकूमत की जानिब मेडराम के मेले के लिए एक रुपया भी जारी ना करने के मुतालिक एमपी बंडी संजय से सवाल करने पर खामोशी अख्तियार करने से इस तरह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेडराम मेले को कौमी त्योहार के तौर पर शिनाख्त करने के लिए बीजेपी हुकूमत को कई बार मुतालबा करते हुए याददाश्त हवाले करने के बावजूद मरकजी हुकूमत खातिर ख्वाह तवज्जो ना देते हुए नजरअंदाज करने का इजहार किया। एमपी डी अरविंद के दौरे के दौरान बीजेपी कायदीन व किसानों के दरमियान हालात कशीदा, हल्दी बोर्ड का क्याम अमल में लाने तक मौजे में कदम रखने नहीं देने का किसानों ने किया इंकशाफ। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के दौरे के दौरान बीजेपी कायदीन व किसानों के दरमियान हालात कशीदा हो गए। किसानों के मुतालिक रूबे अमल में लाए जाने वाले एमपी अरविंद के झूठे वादों से नाराज होकर किसानों ने इनकी आमद को रोकते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस दौरान बीजेपी कायदीन ने किसानों के साथ जोर जबरदस्ती करने पर हालात कशीदा हो गए। इस दौरान दोनों जानिब होने वाली कशीदगी के दौरान तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। इस मौके पर किसानों ने जज्बे का इजहार करते हुए कहा कि किसान अपने खून पसीने से इस देश के 100 करोड़ अवाम को गजाई फ्राहमी अमल में लाते हैं और ये खदीम तरीन पेशा है जो कि हमारी पुश्तों से चलता रहे, लेकिन डी अरविंद झूठे वादे बीजेपी की सियासत के सबब मुल्क और सियासत में किसानों की हालात दिन ब दिन बस से बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता इलेक्शन में एमपी अरविंद के वादों के सबब आज किसान काफी बेहाल है। इस वाक़े पर बीजेपी कायदीन ने शदीद मज़म्मत का इजहार किया। ఈరోజు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో ఎంపీ అరవింద్ గారి పర్యటన ఉందనే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి రైతులందరూ కలిసి ఎక్కడికక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఇక్కడికి వస్తున్నటువంటి ఎంపీ గారిని మా పసుపు బోర్డు ఏదయ్యా అని అడుగుదామనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న శాంతియుతంగా నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి గుండాలను తీసుకొచ్చి రైతులపైన అమానుష్యంగా దాడి చేయించడం జరిగింది। ఆ దాడికి దాడికి ఎదురు దాడిగా మేమందరం కూడా వారిని తరిమి కొట్టడం జరిగింది। కబర్దార్ అరవింద్ కబర్దార్ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం। జాగర్త కబర్దార్ కబర్దార్ నువ్వు ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉండాలా, నువ్వు ఖచ్చితంగా పసుపు బోర్డు తీసుకొస్తేనే మా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో తిరగాల, లేదంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇదే మళ్ళీ ఇదే రిపీట్ అవుతా ఉంటది। జాగర్త కబర్దార్ वोट का इस्तेमाल करना ये हर एक फर्द का जमहूरिया होने का जिले कामारेड्डी के दफ्तर में मुनाकिदा कौमी वोटर्स डे तकरीब से कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल का खिताब।
जिले कामरेडी के दफ्तर में कौमी वोटर्स डे तकरीब के पेश नज़र क़याम अमल में लाए गए इजलास से कलेक्टर जितेश्वी पाटिल ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक फर्द यकीनी तौर पर वोट के हक़ को हर साल मुनाक़िद इंतखाबात में इस्तेमाल करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की अजमत को हम सब याद रखें, इनके नक्श कदम पर चलते हुए हक राय दही का बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादियों और आयन के नफाज के बाद ये हमारी आयनी अजमत होने का इजहार करते हुए वोटर लिस्ट में नामों का इंदराज करने वालों को वोटर आईडी कार्ड की तकसीम अमल में लाने के अलावा दीगर मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, एडिशनल SP व दीगर ने शिरकत की। हर वो फर्द जिनकी उम्र 18 साल हो, इलेक्शन कमीशन के खवात के मुताबिक बहसियत राय दहिंदा अपना नाम का इंदराज करने की ZP दफ्तर में मुनाकिदा नेशनल वोटर्स डे तकरीब से सदनशील जिले प्रजा परिषद DV विठल राव का खिताब। जिले निजामाबाद के ZP दफ्तर में मुनाकिदा 12वें राय दहिंदगान के कौमी दिन पर मबनी इजलास में सदनशीन जिले प्रजा परिषद विठल राव व CEO गोविंद ने शिरकत की। इस मौके पर ZP चेयरमैन DV विठल राव ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसे नौजवान लड़के व लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल मुकम्मल हो चुकी है वो अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाए ताकि वो आइंदा मुस्तकबिल में इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करने का इजहार किया। तेलंगाना में 10% से ज्यादा कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज होने पर रात का कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत, डॉक्टर श्रीनिवास राव। तेलंगाना के डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के इतने केसेस दर्ज नहीं हो रहे, इसके लिए रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के केसेस 10% दर्ज होने पर ही रात के कर्फ्यू नाफिज करने की जरूरत पड़ेगी। रियासत में फिलहाल कोरोना की मुस्बित केसों की तादाद 3.16 तक दर्ज हुई है और किसी भी जिले में 10% केस दर्ज नहीं हुए है। 2,60,000 अफराद में एहतियाती इकदाम के तहत अद्वियात दिए गए हैं। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदीन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियां बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। मेंडोरा मंडल के मुकाम पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों को ZPTC तलारी गंगाधर ने पार्टी दफ्तर मुस्तहकीन को किया हवाले। मेंडोरा मंडल के मुकाम पर ZPTC तलारी गंगाधर ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जानिब से मंजूर करदा CMRF चेकों की TRS पार्टी दफ्तर में इस्तेफादा कुनंदगान को हवाले करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत में गरीब व मुतवस्त तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई इकदाम को रूबे अमल में ला रहे, जिनमें एक CM रिलीफ फंड भी शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआलजे में काम आ सके। इस मौके पर इस्तेफादा कुनंदगान ने रियासती वजीर इमारत और शोरा वेमला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में Vice MPP सरस्वती रविंदर गौट, रायतो समन्वय समिति सदर साई रेड्डी, मेंडोरा सरपंच लक्ष्मी राजा रेड्डी, डोरियम MPTC लक्ष्मी देविंदर व दीगर ने शिरकत की। मोरताब मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 45,000 रुपए पर मबनी CMRF चेकों की मुकामी सरपंच व नायब सरपंच ने मुस्तहकीन में फ्राहमी अमल में लाई। मोरतार मंडल दोनपाल देहात में मुकामी सरपंच प्रसाद देवाना व नायब सरपंच रमेश ने रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 45,000 रुपए पर मबनी CMRF चेकों की मुस्तहकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तदार में सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजा हासिल करने के बाद कर्ज में मुब्तला होने पर CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा
सीएम रिलीफ फंड के जरिए रकम इमदाद हवाले करने का इजहार करते हुए बताया कि हर वो मुस्तहिक अफराद जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज व मुआलजा मुकम्मल करने के बाद हॉस्पिटल से मुतालिका बिल व दीगर दस्तावेजात के साथ सीएम रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में फौरी तौर पर इन्हें चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जानिब से सीएमआरएफ चेकों की फ्राहमी अमल मिलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी के कलावती देवती अशोक वार्ड मेम्बरान सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायद व मुकामी अवाम ने शिरकत की। ओमिक्रॉन के असरात में शिद्दत शदीद अवारिस सेहत पर ज्यादा मनफी असरात एहतियात जरूरी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाली लेकिन मामूली अलामत वाली करार दिया जा रहा था, लेकिन इसके मुतासरीन शरीक दवाखाने होने लगे हैं और इनकी सेहत मुतासर हो रही है। माहिरीन के सर्वे और मरीजों के शरीक दवाखाने होने वालों की तादाद को देखते हुए कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन मरीजों में अब तक जहां मामूली अलामत थी अब शिद्दत इख्तियार करने लगी है। डॉक्टर कजर हुसैन जुनेदी ने बताया कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना मरीजों में बुखार की शिद्दत देखी जा रही है और बाद मरीजों को 1000 mg तक पैरासीटामोल देना पड़ रहा है। इसके अलावा दीगर अलामात भी शदीद है, लेकिन ऐसे मरीजों की तादाद बहुत कम है। शहर ही नहीं बल्कि तेलंगाना और दीगर रियासतों में कहीं भी ये इत्तलात नहीं थी कि मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है या बुखार मुसलसल रहने लगा है, लेकिन अब जबकि कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है लेकिन मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना व दीगर रियासतों में मरीजों की सेहत बिगड़ रही है और वो सांस लेने में दुश्वारी असाल और दीगर अमराज का शिकार होने लगे हैं। डॉक्टर्स और माहिरीन का कहना है कि रिवायती इलाज के बाद अब तशखीस जरूरी है क्योंकि मरीजों में तशवीश की अलामत जाहिर हो रहे हैं। इसीलिए शहरियों को एहतियात और मास्क के इस्तेमाल के अलावा सामाजिक फासले के साथ मामूली अलामतों पर भी डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। आइंदा 14 दिनों में मुतासरीन व मर्ज की में भी इजाफा हो सकता है। तालीमी इदारों की 31 जनवरी या 5 फरवरी से कुशादगी। तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी की सूरत में स्कूल और कॉलेजेस 31 जनवरी या 5 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का इशारा दिया और कहा कि इस मरतबा इंटरमीडिएट एसएससी और कोई दूसरे इम्तहान मनसूख नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि तुलबा की तालीमी मेहनत को जाय होने से बचाने के लिए इम्तहान मुकर्रर वक्त पर मुनाकिद किए जाएंगे। वजीर तालीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अंदरून 2 यौम महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद करेंगे जिसमें तालीमी इदारों की कुशादगी के बारे में कतई फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने 8 से 16 जनवरी संक्रांति तातीलात का ऐलान किया था। बाद में कोरोना केसेस में इजाफे पर 30 जनवरी तक तौसी की गई। हुकूमत ने ऑनलाइन क्लासेस की 8वीं जमात से इजाजत दी है। बताया जाता है कि महकमे सेहत ने फरवरी से केसों में कमी की पेशकयासी की है। वजीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत और महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर मंगल को जायजा इजलास मुनाकिद करेंगे जिसमें तालीमी इदारों की कुशादगी पर खतई फैसला होगा। महकमे तालीम के जराए के मुताबिक अजला में कोरोना केसों की बिना पर फैसला होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस की इजाजत दी जा सकती है। कोरोना की तीसरी लहर फरवरी में कमजोर पड़ सकती है। जरई गैर जरई अराजियात अपार्टमेंट के फ्लैट्स का नई मार्केट खदर तयन करने का अमल मुकम्मल। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 31 जनवरी को रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। 1 फरवरी से नई कीमतों पर अमल का इम्कान। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन ने रियासत में जरई गैर जरई अराजियात की नई मार्केट कीमत तयन करने का अमल मुकम्मल कर दिया है। हुकूमत ने 1 फरवरी से नई मार्केट खदर पर अमल करने का फैसला किया है जिसकी तैयारियां की जा रही है। महकमे स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के IG शीशद्रे की क्यादत में सीनियर अहदेदारों और अजला रजिस्टर्स गुज़िश्ता 4 दिन तक मार्केट की नई खदर के तयन से मुतालिक तमाम तैयारियां करते हुए इतवार को इसकी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। रियासत के 33 अजला में वाक़ 141 सब रजिस्ट्रार दफातर के हुदूद में ज़रई अराजियात खाली अराजियात अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की नई कीमत मुकरर कर दी है जिसका चीफ मिनिस्टर KCR अहम रियासती विज़रा और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार जायजा ले चुके हैं। आज इन तजावीज को ज़िलाई कमेटियों से रुजू कर दी गई है। 2-3 दिन में ये कमेटियां अराजियात की नई मार्केट खदर को मंजूरी देंगी। नई मार्केट खदर को हेड ऑफिस में मंजूरी देने के बाद ज़िलाई कमेटियों की मंजूरी बराए नाम है। तमाम कानून साजी के लिए ज़िलाई कमेटियों की मंजूरी लाजमी है। नई मार्केट खदर के लिहाज से कार्ड सॉफ्टवेयर में तब्दीलियों की जरूरत है। इसके लिए दरकार तकनीकी वसायल के क्याम पर भी महकमे रजिस्ट्रेशन ने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। 1 फरवरी से अराजियात की नई मार्केट खदर पर अमल करने की मनसूबाबंदी तैयार की गई है। सॉफ्टवेयर की अपडेट के लिए 1-2 दिन रजिस्ट्रेशन के अमल को रोकने की भी तैयारियां की जा रही है। इस सिलसिले में 31 जनवरी पीर को रजिस्ट्रेशन का अमल रोकने का ऐलान करने का इम्कान है। अहदेदारों का मानना है की 1 फरवरी को मार्केट की नई
गए कदर पर अमल होने के पेश नजर रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा हो सकता है। अजला हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल मलकाजगिरी में रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़ सकती है। इसके लिए तमाम एहतियाती इकदाम करने की हिदायत दे दी गई। बावसुख जराये से पता चला है की जरिए अराजियात की मार्केट कदर में 50%, गैर जरिए अराजियात की कीमत में 35-40%, अपार्टमेंट के फ्लैट की कीमतों में 25-40% इजाफा होने का इम्कान है। बिलखसूस अजला हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल मलकाजगिरी में जरिए खाली अराजियात और अपार्टमेंट फ्लैट की मौजूदा मार्केट कदर से 40-50% कीमतों में इजाफा होने का इम्कान है। मुल्तान मंडल डोनकल देहात में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुकामी सरपंच व नायब सरपंच के हाथों मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। मोरतार मंडल दोनकल देहात में मुकामी सरपंच लावनिया मुतेना व मंडल पार्टी सदर के एलैया ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहकिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर सेटपली सोसाइटी चेयरमैन सिंह रेड्डी राजेश्वर, नायब सरपंच मल्लेश, डायरेक्टर वेलपुर संजीव रेड्डी, MPTC देवती अशोक, मौजे पार्टी के सदर ताटीपल्ली श्रीनिवास व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा की तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद CM KCR की क्यादत में गरीब अवाम को कॉर्पोरेट की तर्ज के तौर पर इलाज व मुआलजा फराहम करने के लिए रियासती वज़ीर-ए-आला ने CMRF स्कीम को मुतारफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका सरपंच मामड़ी चुन्ना रेड्डी, राजेश्वरा समीर व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू ने नेहरू नगर में इम्तनाइत कदा गुटके को किया जब्त। जिले निजामबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू के अहकाम के मुताबिक पुलिस मुलाजमी ने शहर के नेहरू नगर में वाकई घर में इम्तना आयद करदा गुटका रखने की हासिल करदा इतला पर घर पर धावा करते हुए तनखे अमल में लाने के बायस तकरीबन 47 बैग पर मबनी सागर गुटका और 56 बैग में मौजूद इसार जर्दे को जब्त करने के अलावा इम्तना आयद करदा गुटका वो जर्दे की मुंतकली के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले पैसेंजर ऑटो जिसका नंबर TS16VC7109 को तहवील में लेकर ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करने के बायस इनका नाम शेख दाऊद वल्द शेख महबूब उमर 25 साल पेशा ऑटो ड्राइवर हबीब नगर होने का इजहार करते हुए बताया कि इम्तना आयद करदा गुटका वो जर्दा फारूक नामी शख्स की जानिब से देने की बात बताई और मजीद 500 रुपए किराए के तौर पर बात करने के बिना पर इस गुटके व जर्दे के बैग को बोधन रोड पर वाक जमात खाने को लाने का इजहार करने के बायस मजीद तहकीकात करने के बायस इम्तना आयद करदा गुटके की फ्राहमी में मुलविस अफराद को तहवील में लेने का इंकशाफ किया। अरे गतम में ना मैंने केस बने। हाँ मैं बोला ऑफिसर उनको थोड़ा इनका पूरा ट्रैकिंग कार्ड निकालो बोला। प्रीवियस कुछ इन लोग का पर केस था क्या कुछ और कुछ FIR से कर निकालो बोला। निकाले तो अगर ये कंटिन्यूएशन करे तो अगर कुछ इन लोग का पर PDAC अगर आए तो PDAC भी हम इंपोज करने के लिए पीछे नहीं थे। सर ये स्टूडेंट्स से गाइडेंस के वास्ते कोई अभी जो भी स्टूडेंट है उनको काउंसलिंग करते पहले हमीद बोलने वाले का नाम आया है वो हमीद अपस्टैंडिंग है हमीद को और जो इधर से जो हमने लेके आए कि जो गुटका सप्लाई का था पारना सा था उनका नाम आ रहा है अभी थोड़ा डीपली इन्वेस्टिगेशन करने पर फर्दर अपन उसके ऊपर एक्शन। सर ये बच्चों के बैकग्राउंड से तो 9 लाख का एस्टिमेटेड ये लोग लगाए जैसे नहीं कर सकते इनिशियली भी कर रहे हैं। सही बात है मैं भी वही पूछा है बच्चे स्टूडेंट्स हैं तो बोला सर लेकिन ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुछ कमीशन आ रहा बोल के माल हुआ वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा तो एब्सोल्यूट ओनर अभी फरार है फरार है हमीद बोलने वाला वी आर सस्पेक्टिंग दैट हमीद इज द मेन कंपनी। तेलंगाना RTC कार्गो पार्सल सर्विस के चार्जेस में कमी का फैसला। तेलंगाना RTC ने रियासत में कार्गो और पार्सल सर्विस के चार्जेस में कमी का फैसला किया है। RTC के अहदेदारों ने ये कीमतें आंध्र प्रदेश RTC से ज्यादा होने के अलावा मार्केट की कीमतों के मुताबिक न होने की वजह से कार्गो पार्सल टैरिफ में कमी का फैसला किया है। वाज़ह रहे कि टैक्स से हासिल होने वाली आमदनी के अलावा दीगर रास्तों से आमदनी में इजाफे के मकसद से तेलंगाना RTC ने December 2020 में कार्गो पार्सल खिदमत का आगाज किया। साल 2021 में RTC को इसके जरिए 24.12 करोड़ की आमदनी हुई। रियासत गिर सतह पर 177 काउंटर्स के जरिए कार्गो पार्सल खिदमत दस्तियाब। MP अरविंद के दौरे के दौरान किसानों की नाराजगी का सामना होने पर हालात कशीदा हो गए।
निजामाबाद एमपी डी अरविंद की जानिब से जिले में दौरे के दौरान मंडल से मुतालिका मौजूद जैसे आलोर दिगाम गांव में मुकीम किसानों ने एमपी डी अरविंद की आमद पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि हल्दी बोर्ड का क्याम अमल में लाने का बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने इंतखाबात में तहरीरी तौर पर बॉन्ड पेपर पर लिख कर दिया था और हल्दी बोर्ड न लाने की सूरत में ओहदे से इस्तीफा देने का किसानों के अमरा जद्दोजहद में शामिल होने का ऐलान किया था, लेकिन इनकी जानिब से किया गया वादे को फरामोश करने की बिना पर किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए मुख्तलिफ मौजूआत में एहतजाजी मुजाहरा किया। तो लोग ही पोयारो దొంగ పేపర్ బాండ్ పేపర్ రాసి నువ్వు ఎంపీ అయినవా, ప్రజలు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉన్న రైతులు మా బాధలు తీరుస్తారు, మా రైతు బోర్డు మాకు వస్తుంది అని చెప్పి బుద్ధి కకృతి వాడి నీకు ఓట్లు వేసిన పాపానికి నువ్వు పోయి ఢిల్లీలో కూర్చున్నావు, మమ్మల్ని కూడా వైశ్యర్లో ఉంచినావు, వెదవన్నారి వెదవ, ఇప్పటికైనా సరే కనికరం లేదా నీకు అని చెప్తున్నా. నిజామాబాద్ మీకు వెళ్ళిపోతే నిజామాబాద్ అంటే ఇస్తాం, నువ్వు అంకాపూర్ పోతే అంకాపూర్, ఏడవైనా నీకు ఇదే గతి వేస్తాం, కేవలం ఆలూరు ఇది అంతం కాదు, ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఈ రోజు అని కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. मुस्तैक दलित खानदानों में खुशी फ्राहम करने का सीएम केसीआर का अहम तरीन मकसद होने का गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने किया इजहार। जिले कामरेडी के दफ्तर में मुनाकिदा छोटे कारोबारी के लिए मुफ्त खर्जाजात की फ्राहमी पर मबनी प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तदार में कामरेडी हल्के में 110 छोटे कारोबारी अफराद 50,000 रुपए की मुफ्त खर्जाजात की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि कामरेडी के मुस्तैक दलितों को 136 एकड़ अराजी काश्त के लिए देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन जानवी, जेडपी वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन राजेश्वर, एसी कॉर्पोरेशन ईडी दयानंद व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में एमपी अरविंद के दौरे की मुखालिफत में आए किसान सड़क पर, अरविंद के दौरे के दौरान किसानों ने किया रास्ता रोको, बीजेपी कायदीन की हठधर्मी के सबब किसानों और बीजेपी कायदीन के दरमियान भी झड़प, वादा खिलाफी करने वाले एमपी को गाँव में दाखिल न करने के किसानों ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी, बोधन असम्बली हल्के में मस्जिद डबल बेडरूम की मंजूरी, रियासती वजीर आला केसीआर, रियासती वजीर केटीआर और रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी से किया इन्होंने इजहार तशक्कुर। एशिया की सबसे बड़ी मेडराम यात्रा के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से फंड्स की फ्राहमी न करने पर मुतहदा जिले एमएलसी के कविता ने किया बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय से सवाल। कौमी योम राय दहिंदगान के मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी व कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने वोट की अहमियत से किया अवाम को आगाह। जिले पुलिस कमिश्नर सीपी के आर नगर राजू की क्यादत में टास्क फोर्स की धावे, तकरीबन 9 लाख मालियत का गुटखा किया गया जब्त, दो तुलबा को लिया गया हिरासत। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।